आज तीन दिन लगातार हो गए शिक्षा मित्रों को यहाँ धरना देते हुए। जो आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, जो इस प्रोग्राम के नेता हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि सरकार के साथ में इनकी क्या वार्ता हुई है। जितेंद्र साई जी, अभी अभी पीएमओ कार्यालय से एक घंटे पहले आए थे लोग, वार्ता करने के लिए पहल भी किए, पत्र भी मांगे। हमारा मांग पत्र भी मांगा गया, मैं मांग पत्र भी दिया, हवाला भी दिया। उन्होंने कहा एक दो घंटे का समय हमको दे दो, अभी हम बात करके क्लियर कराते हैं। हमने कहा कि एक लिखित मांग पत्र हमारा जो है, लिखित निर्देश हो जाए, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा मान जाओगे, हम कहे बिल्कुल मान जाएंगे। समान कार्य समान वेतन लागू कर दिया जाए, उसी का लिखित हमें दे दिया जाए, हम चले जाएंगे। अभी कुछ ये रूमर आई थी, अफवाहें थी कि अधिकतर टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फालतू के लोग यहाँ के धंधा दे रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं ना, उनको मालूम है नहीं है, राज प्रताप सिंह अपने आईएएस की कोठरी में बैठ रहे हैं। फील्ड में जाए तो पता चलेगा क्या है। और ऐसे सचिव को तो राज्य सरकार को तत्काल हटा देनी चाहिए, नहीं प्राथमिक शिक्षा का चौपट करने वाला एक ही सचिव होंगे जिनका नाम राज प्रताप सिंह होगा।